हे गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके? मैं के मस्त होंगे। तो चलिए मेरे वापस आ चुके हैं एक फ्री फायर की वीडियो के साथ। बट ये फ्री फायर वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो होगी कि अपने स्नाइपर कैसे तुम लोग इंक्रीज़ कर सकते हो, उसे जो प्रॉपर वे है स्नाइपर चलाने का। लाइक मैंने स्नाइपर मैं स्टार्ट से चला रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी वेज पता है कैसे मतलब उसको रिस्ट करना है। तो उसके मैं कुछ 5 वेज बताऊँगा जिसे तुम लोग को करना है। तो ये 5 वेज हैं: स्विच स्पीड, पेशेंस, एम एक्यूरेसी, स्किल और एरिया रेंज। और तुम लोग इन 5ों को परफेक्ट कर लेते हो तो तुम लोगों की स्नाइपर बेस्ट हो जाएगी। तो स्विच स्पीड क्या है, देखो जैसे पहले इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग सेटिंग से। टारगेट जो सेटिंग है यहाँ पे फुल कर देते हैं स्प्रिंट, ठीक है। तो स्विच स्पीड क्या है, अब तुम लोगों का सेटअप्स होता है। मेरे 2 सेटअप्स हैं, तो मैं पिछले 2 मेरा ज़्यादा मैं खेलता नहीं हूँ। देखो स्विच स्पीड ये होती है जब एक साथ 2 वेपन्स चेंज करने होते हैं। जैसे अब ये मैं कर रहा हूँ, ये स्विच स्पीड, अगर इस पर मैं अगर सही से एम नहीं ले पा रहा हूँ तो वो मेरी गलती ये है कि मैं बहुत जल्दी स्पीड में कर रहा हूँ। तो यहीं पे एम सही लेने के लिए अब आता है दूसरी चीज़ का काम, जिसे कहते हैं पेशेंस। देखो इसे एम लेके थोड़ा सा वेट करके, जैसे ये एम लिया, वेट किया, आराम से पड़ता है। अब यही क्या होता है, डायरेक्ट मगर नॉन स्टॉप स्पीड में करोगे तो तुम्हें एकदम एम परफेक्ट नहीं बैठता है। स्नाइपर में एमओ के हिसाब से हम लोग को ये सब करना पड़ता है, तो थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है। तो हल्का तुम लोग को पेशेंस भी होना चाहिए। जैसे अगर तुम लोग को हेड लेना है तो तुम्हें सही टाइम पर मारना पड़ेगा शॉट, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे लॉन्ग रेंज वो शॉट्स अच्छे हैं, मतलब विदाउट जूम के भी हो जाते हैं, बट ये मैं प्रिसाइज 2 पे खेल रहा हूँ इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग का थर्ड स्टेप है एम और एक्यूरेसी। तो एम और एक्यूरेसी क्या है, जो हम लोग ये स्विच स्पीड और ये क्या नाम था पेशेंस का है, तो उसी में स्विच स्पीड के साथ हम लोग को एम लेना होता है। सी एम गया, फिर सेकंड शॉट लग गया तुरंत। मेरा थोड़ा गेम लैग हो रहा है, इस चक्कर में इशू हो रही है। बट ये देखो एम और एक्यूरेसी तुम्हें बंदे की बॉडी या फिर हेड के हिसाब से चूज़ करना है। लाइक मैं अभी आराम से मार ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो आराम से कवर किया एंड एम एक्यूरेसी। सही जगह पे एम लेने के लिए तुम लोग को एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर बिना एक्यूरेसी के मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी बंदा तुम्हें आराम से मार देगा। लाइक यहाँ पे देखो मैं आराम से मार रहा हूँ, बट अगर स्विच स्पीड कम हुई तो मेरी दूसरी स्नाइपर रिलोड दे रही है। इससे पहला रूल होता है स्विचिंग का, फिर दूसरा आता है पेशेंस का, और थर्ड आता है एम एक्यूरेसी का। अब आता है हम लोगों का फोर्थ स्टेप, जिसे कहते हैं स्किल्स। तो स्किल्स कई टाइप की हैं फ्री फायर में, तुम लोगों ने देखा ही होगा। बट एज अ स्नाइपर तुम लोग को ऐसी स्किल्स चाहिए जो तुम्हें कैमोफ्लेज करने में हेल्प करे, जैसे किसी को डाउन करते ही तुम किसी चीज़ में बन सको। जैसे कि उस टाइप में हम लोगों के पास सिर्फ अभी 2 ही कैरेक्टर्स हैं, एक वुकोंग हो गया और दूसरा क्या नाम है इसका, ओरियन। तो ये 2 कैरेक्टर ही सबसे ज़्यादा अभी सही हैं स्नाइपर के हिसाब से। वुकोंग ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो बने हुए तुम फायर कर सकते हो, प्लस पर वो क्या नाम है पर डाउन या फिर किल पे तुम वापस बन सकते हो वही पर्सन। तो मैं कुछ उनके प्रीसेट मेरे खुद के हैं ये, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, अगर तुम लोग को सही लगते हैं तो तुम लोग देख सकते हो। तो पहला प्रीसेट ये है जिसमें आता है हम लोग का साइलेंसर सबसे ज़्यादा, और दूसरा क्रिम्सन और ईपी वाला। ईपी वाला जैसे पर डाउन पे हम लोग को 200 ईपी मिल जाएगी, तुम लोग वापस क्रिम्सन बन सकते हैं। प्लस वो जो फुटबॉलर है जिसका नाम मेरे को नहीं याद है, बट उस बंदे से ये है कि जैसे ही तुम्हें एक्स्ट्रा हेल्थ मिलती है, वैसे तुम लोग को लगता है कि तुम्हारी हेल्थ की वजह से तुम लोग मरते हो, तो ये बीआर में बहुत बेस्ट है। तुम्हारी हेल्थ 280 तक पहुँच जाती है, और 280 हेल्थ बहुत है अगर एक हिसाब से फाइट करना चाहो, तुम किसी से भी विन कर सकते हो 280 हेल्थ में। तो ये फर्स्ट ये था। और सेकेंड प्रीसाइड में पड़ता है ये, जिसमें हम लोग को मिलती है मोको, जो ने हम लोग को बताया कि बंदा किधर है किधर नहीं, ये बहुत काम आता है अगर वो एमएससी भी चला रहे थे। और साइलेंसर और मारो, ये 3 कैरेक्टर्स बहुत बेस्ट है। मारो तुम लोग का डैमेज बढ़ाता है स्नाइपर में, जितनी दूर मतलब एम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा डैमेज बढ़ता है। तो मारो एक हिसाब से बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है, तो मैं इसे रेकमेंड करूँगा तुम लोग स्नाइपर अगर चलाते हो तो ये हमेशा लगाओ, बहुत सही कैरेक्टर। क्योंकि और हमारा जो थर्ड प्रीसेट है ये थोड़ा अलग है, बिकॉज इसमें हम लोग स्काइलर यूज़ कर रहे हैं। मतलब स्काइलर के पास ऐसी कोई पावर नहीं जिससे वो खुद को कैमोफ्लेज करे, बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्स और ये सब लगने लगता है ना, तो स्काइलर बहुत प्रॉफिटेबल देता है स्नाइपर के हिसाब से। तुम्हारे तरफ तुम्हारे पास अगर स्नाइपर है और तुम्हारी साइड में अपोजिट में बहुत सारे बंदे हैं, तुम्हारे पास डबल स्नाइपर हैं, वॉल्स लगे हुए हैं लाइन से, तुम एक ये मारते हो तो वहाँ पर से वॉल वो लोग नहीं लगा पाते हैं।
लोग को पीछे भागना पड़ता है, इतने में तुम काफ़ी डाउन कर सकते हो। तो उस हिसाब से स्काइलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पड़ता है। तुम लोगों ने काफ़ी, अगर तुम लोग ईस्पोर्ट देखते हो तो ईस्पोर्ट्स में भी देखा होगा स्काइलर का ज़्यादा यूज़ होता है एज अ स्नाइपर प्लेयर्स। अब बताएं हम लोग का फाइनल स्टेज जो है एरिया रेंज, जो हम लोग को अपने रेंज के हिसाब से देखना होता है। अगर तुम लोग का फ़ोन एकदम लैग नहीं करता तुम लोग क्लोज रेंज फाइट ले सकते हो, बट अगर तुम लोग का फ़ोन लैग करता है तो तुम लोग को कम से कम 50 मीटर की मतलब दूरी रखनी है बंदे से। लाइक मेरा लैग कम कर रहा है तो मैं देखो रश करके खेल रहा हूँ इतनी रेंज में, इस रेंज में मैं आराम से मार सकूँ। एरिया रेंज तुम लोग को अपने कॉर्नर्स देखने होते हैं जहाँ से तुम्हें बंदा पहले दिखे, ना कि तुम बंदे को। एरिया रेंज का एक दूसरा मतलब ये भी है कि तुम मतलब इस टाइप में फायर करो कि तुम मतलब बंदे को ना दिख सको, आराम से तुम फायर कर सकते हो जिसमें तुम मरोगे नहीं उसमें, और तुम्हारे पास अच्छा कवर रहता है परमानेंट कवर, इस चीज़ को एरिया रेंज कहते हैं। तुम्हारे पास अगर परमानेंट कवर तो वॉल अगर तुम्हारे पास नहीं भी होता है तब भी तुम आराम से बच जाओगे। और तुम लोग ये पाँच चीज़ें सही होती हैं तो तुम्हारी स्नाइपर बेहतरीन चलेगी बीआर रैंक में और क्लास स्क्वाड में, और मतलब जहाँ पे चलाना चाहते हो वहाँ पे चले। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, और हो सकता है मैं एवरीडे वीडियो डालूँ, हो सकता है कि मैं कंफर्म ही डालूँगा, थोड़ा बाहर था इसलिए वो रखा था। देन सी यू नेक्स्ट।